हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खेतों में झूल रहे तारों की चपेट में आने से किसान की मौत। मंडार मोरवाड़ा में कृषि कुएं पर गुरुवार सुबह 5:30 बजे फसलों की सिंचाई करने को लेकर मोटर चालू करने गया। मौके पर वायर भी मात्र 2 फीट की दूरी तथा जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से संपर्क में आते ही युवक झुलस गया, जिससे उसके मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उप सरपंच कैलाश कुमार चौधरी व मृतक का भाई दिनेश कुमार एक सरकारी अस्पताल लेकर आए, जिसे चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर दीपक मेघवाल ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिजली विभाग की कथित लापरवाही से झूलते तारों के कारण किसान की मृत्यु हो जाने से जानकारी मिलते ही भारी मात्रा में किसान एकत्र हो गए। उधर सूचना मिलते ही SI मोहनलाल बिश्रोही, हेड कांस्टेबल रमेश दान चारण, ओम प्रकाश बिश्रोही समेत जाप्ता तथा मंडार सरपंच परबर सिंह, डिस्कॉम के AN लव कुमार मीणा, JN राजेश मीणा भी अस्पताल पहुँचे, जहां पीड़ित परिवार व किसानों की मांग पर सहायक अभियंता के संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर किसान भड़क गए। अपराहन पहुंचे XCN प्रवीण खत्री के नियम अनुसार अधिकतम 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन वो समझौता पत्र देने के बाद मान गए। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस के अनुसार मोरवाड़ा निवासी दिनेश कुमार पुत्र खेताराम चौधरी ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसका सगा भाई प्रेमाराम उम्र 35 साल सुबह 5 बजे लाइट आने से 5:30 बजे मोटर चालू करने गया था। सर्विस केबल जमीन से सटकर होने के साथ केबल जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से मोटर चालू करते ही तार करंट लगने से पूरी तरह झुलस गया, जिसे अस्पताल में लाते ही मृत घोषित कर दिया। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण करंट से झुलस कर मृत्यु होने पर मुआवजा देने की मांग की गई। विभाग की ओर से मृतक की लापरवाही होना बताने पर परिवार के लोग व किसान भड़क गए। मौके पर पहुंचे पूर्व प्रधान कालूराम चौधरी की अगुवाई में अस्पताल में ही मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे पोस्टमार्टम नहीं करवाने की चेतावनी देने पर मौके पर ही जांच कमेटी नियुक्त की, जिसमें पूर्व प्रधान कालूराम चौधरी, पीथापुरम पूर्व सरपंच नानजी राम रेबारी, उप सरपंच कैलाश कुमार चौधरी, भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष मावाराम चौधरी, अशरफ भाटी सुमित, ASI मोहनलाल बिश्रोही, मई पुलिस जाप्ता मौके पर घटना स्थल पहुंचा, जहां केबल जमीन से सटकर होने के साथ क्षतिग्रस्त पाया। आखिरकार XCN प्रवीण खत्री व सहायक अभियंता मीना ने चर्चा कर नियम अनुसार अधिकतम 5 लाख रुपए का मुआवजा 2 महीने के अंदर पीड़ित परिवार को दिलवाने का लिखित आश्वासन देने के बाद मान गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। महेश अग्रवाल, भूराराम पटेल, मानाराम चौधरी, भेराराम चौधरी, सूजाराम पटेल, दिनेश कोहली, हमीरा राम देवासी, दिनेश कुमार चौधरी, उमर राम चारण, जयसुंग राम, वीरा राम चौधरी, राजू राणा, जस्सा राम, खंगारा राम समेत कई लोग उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए मंडार से अशरफ भाटी की रिपोर्ट।